आई होप आप सभी बढ़िया कर रहे हैं सो वेलकम टू दिस लाइव सो आई होप मेरी आवाज आ रही है प्लीज कन्फर्म uh, क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है ओके सो वेलकम टू दिस लाइव सबसे पहले सभी का स्वागत है यूट्यूब uh, लाइव में uh, जो भी लोग पहली बार आ रहे हैं जो भी इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं जो भी मुझे लाइव सुन रहे हैं पहली बार उन सभी का बहुत बहुत वेलकम uh, और uh, सबसे पहली चीज़ है कि तबीयत मेरी अभी भी ठीक नहीं है आज मैंने टेस्ट काफ़ी सारे कराए हैं एक्सरे वैक्सरे एक भी कराया चेस्ट का थोड़ा सा कुछ पता नहीं क्या वायरल किस टाइप का था अभी भी आवाज़ पूरी नहीं आई है और बॉडी वीकनेस एंड ऑल ये सब तो है ही है बट मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं बहुत सारे लोग नए लोग जुड़े हैं हमारे लाइव में और उन लोगों से बात करना और उनको जानना समझना ये इसकी बहुत ज़रूरत है तो इसलिए मैंने कहा लाइव तो करना बनता है बहुत लंबा लाइव नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बोलने में थोड़ी सी तकलीफ़ है लेकिन कोशिश ये करूँगा कि ये लाइव एक वैल्यूबल uh, बनाऊँ लोगों के सवाल लूँगा लोगों के जो क्वेश्चन हैं और बेसिकली फोकस रहेगा क्योंकि मार्केट आवर्स में नहीं है ये लाइव तो इसमें हम बहुत ज़्यादा मार्केट के बारे में जनरल एक दो बात कर लेंगे लेवल्स uh, या क्या दिख रहा है मुझे लेकिन बेसिकली फोकस रहेगा लोगों के सवाल क्योंकि मुझे uh, हज़ारों कमेंट में हज़ारों सवाल आए हैं पिछले पंद्रह बीस दिन में तो उनमें से कुछ, कुछ... के आंसर्स हम देंगे और ताकि लोगों को थोड़ा गाइडेंस मिल पाए सबसे पहले जो भी लोग नए हैं पहली बात सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है अच्छा लगे ये लाइव तो सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन दबा देना चाहिए ताकि लाइव में जब भी करूं तो आपको तुरंत इंटीमेशन मिले दूसरी चीज़ है कि जिसको भी हमसे सीखना है समझना है बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं लोग उसको देखते नहीं हैं मैं चाहता हूँ देखो शेयर करो तीन वीडियो आ चुके हैं जो आपका माइंड बदल देंगे माइंड में समझाएंगे चीज़ों को साइकोलॉजी इस पूरी फील्ड की सब कुछ है टेक्निकल कितना भी सीख लो साइकोलॉजी भ्रष्ट है तो कुछ नहीं हो सकता तो उस पर फोकस करो उसके लिए तीन वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी नहीं देखा है तो आप देखो पहले तीन वीडियो हमारे चैनल पर लास्ट तीन वीडियो वही हैं दूसरी चीज़ है कुछ स्ट्रैटेजी की एक दो वीडियो बनाऊँगा और उसके अलावा किसी को डिटेल में सीखना है क्योंकि ये सब पॉसिबल नहीं है यूट्यूब में इतनी सारी चीज़ें क्योंकि आपको बताया ना, तीन वीडियो बना चुका हूँ साइकोलॉजी के वही सवाल फिर भी लोग पूछेंगे तो मैं चाहता हूँ जो सही में इंटरेस्टेड हैं डेडिकेटेड हैं वो अगर सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स भी है उससे आप सीख सकते हो कोई ज़बरदस्ती नहीं है लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो आपको मैं अच्छा लगता हूँ मेरा सिखाया हुआ चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वीडियो के पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा आप उससे सीख सकते हो कोर्स है उसमें कई सारी चीज़ें हैं वो डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएंगी तो ये फिलहाल मैंने पूरी डिटेल दे दी है अब मैं शुरू करता हूं सवालों को सबसे पहले तो पहली चीज है कि पहली चीज है यहाँ पे कि लोगों को जो भी बेसिक सवाल है उनके बारे में हम बात करेंगे तो साइकोलॉजी अभी फोकस करते हैं साइकोलॉजी पे मार्केट के बारे में मैं दो चार मिनट की बातें करूंगा कि क्या लेवल दिख रहे हैं क्या चीजें दिख रही हैं और वो भी आएगा लेकिन पहले शुरुआत कर लेते हैं लोगों से जानने समझने और क्या लोगों की तकलीफें हैं क्या लोगों लोग झेल रहे हैं ये सारी चीजों के बारे में तो सबसे पहले पहला सवाल ले लेते हैं आई नो माई स्ट्रेटजी आई नो माई एंट्री एंड एग्जिट एस एल आई नो माई एच आई डोंट एग्जीक्यूट प्रॉपरली एनी एडवाइस अब ये भाई ने पूछा है जो सवाल कि मेरे अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम है कि मैं सब कुछ दिखते हुए भी सही से पैसा नहीं बना पा रहा हूँ इसका एक लौता सवाल ये है सो एक इसका एक लौता जवाब ये है कि पहली चीज ये कि आप इतना ज्यादा मार्केट में समा चुके हो उसमें इतना ज्यादा आप घुस चुके हो कि अब आपको मार्केट में ना क्या दिखता है पता है ये भाग रहा है इसको पकड़ लूँ ये कैंडल जा रहा है इसको पकड़ लू ये कॉल भाग रहा है इसको पकड़ लू ये पुट भाग रहा है इसको पकड़ लूँ आप इन सब में इतने उलझ गए हो कि आप पर्पज ही भूल गए हो कि आप ट्रेडिंग करने क्यों आए थे आपके ट्रेडिंग का पर्पस शायद थोड़ी सी पॉकेट मनी बनाना था शायद ₹2000 ही बनाने आए थे लेकिन इस माया जाल में इस लालच डर चेस फोमो की भाग रहा है दौड़ रहा है निकल गया मौका हाथ से इसमें इतने इतने इन्वॉल्व हो गए हो कि अब आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि आपका पर्पस क्या है ध्येय क्या है तो मेरा मानना है अपना पर्पस समझो आंख बंद करके एक दो दिन अगर मार्केट को नहीं देखोगे कुछ नहीं बिगड़ेगा मार्केट कहीं नहीं भाग जाने वाला है सोचो कि आप मार्केट में क्यों आए थे कितना पैसा आपको जरूरत पड़ती है सही में क्या आप कर रहे हो आपको दो हजार रुपए पर डे की जरूरत है आप बीस हजार रुपए में भी लगे रहते हो तो ये आपका मिसमैच है इस मिसमैच को फिक्स करने की जरूरत है ठीक है इन स्कैल्पिंग होल्डिंग और टेकिंग प्रॉफिट गुड ये एक अच्छा सवाल है तो स्कैल्पिंग क्या होता है बहुत सारे लोगों ने मेरा वो स्कैल्पिंग साठ हजार से चौदह लाख वाला वीडियो देखा लेकिन उनको फिर भी समझ में नहीं आया कैसे पॉसिबल है साठ हजार में इतना वॉल्यूम कैसे पॉसिबल है दो लाख रुपए में इतना सारा क्वान्टिटी अरे मेरे भाई एक बार में आप जब बाय करोगे दो लाख रुपए में तो दो लाख का बाय किया दो लाख का सेल किया आपने एक प्रॉफिट बुक किया कितना प्रॉफिट बुक किया सपोज ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज उसी दिन उसी चीज पे उसी स्ट्राइक पे अगर आप दोबारा बाय सेल करोगे तो फिर आप नया प्रॉफिट या लॉस करोगे फिर आप उसी स्ट्राइक प्राइस पे दोबारा बाय सेल करोगे तो फिर आप उसमें कुछ करोगे तो होता क्या है जब आप एक ही स्ट्राइक प्राइस पे बार बार बाय सेल बाय सेल करते हो तो उस स्ट्राइक प्राइस का एवरेज बाय और एवरेज सेल आपको दिखाता है और क्वांटिटी में दिन भर में जितनी भी क्वांटिटी उस चीज में ट्रेड की है मान लो कोई भी पुट या कोई भी कॉल में वो टोटल क्वांटिटी दिखाता है उस वीडियो में वो जो क्वांटिटी आप लोग बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो उसका पर्पज और उसका मकसद वो है तो आई होप स्कैल्पिंग क्लियर है कि वो दिख क्यों रहा है जो उस वीडियो में अब दूसरी चीज है स्कैल्पिंग में क्या करें प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं या लोग बोलते हैं भाई लो तो बहुत लो और जाए तो थोड़ा सा जाए भाई ये तो आइडियल केस है इससे अच्छा केस तो कभी पैदा ही नहीं हो सकता मार्केट में तो मेरा मानना है कि कहने के लिए सब आसान है अब यहाँ पे एक भाई ये बोल रहे हैं प्रॉफिट बनाता हूँ अपने आप पर कंट्रोल नहीं है तो समस्या तो खुद अंदर है ना तो मार्केट में थोड़ा सा निकल जाऊँ या बैठा रहूँ क्या ही फर्क पड़ जाएगा आपको खुद ही नहीं पता आप करने क्या आए हो तो मैं डिफाइन करना चाहता हूं अपनी ट्रेडिंग को कि क्या मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं छोटे से प्रॉफिट के लिए या फिर आज बड़ा हाथ मारना है मैं डिसाइड कर लूंगा अगर मेरा डिसीजन बड़े हाथ का है तो मैं फिर छोटा सा बुक नहीं करूंगा और अगर मेरा गोल ही छोटे प्रॉफिट का है तो फिर मैं सोच क्यों रहा हूं कि मैं छोटे में बुक किया ये तो बहुत ज्यादा दे दिया मुझे पछतावा हो रहा है फिर मैं लेट घुसूंगा फिर से लॉस होगा तो आपकी एक्सपेक्टेशन और एक्शन में मिसमैच है

वो दिन आदत स्कैल्पर की थोड़ी सी बिगाड़ देते हैं तो जब आप कभी बहुत ज्यादा मान लो आप तीन ट्रेड हर दिन लेते हो स्कैल्पिंग में और आपकी एक दिन दस ट्रेड हो जाए हो गई बीस ट्रेड हो गई ट्वेंटी ट्रेड हो गई तो आप समझो कि आप गलत रास्ते पर चले गए थे थोड़ा पीछे आने की जरूरत है तो आपको थोड़ा करेक्शन करने की जरूरत है तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट है <coughs> या चैट बहुत तेज जा रही है थोड़ी सी मुझे इसको स्लो करना पड़ेगा क्योंकि मैं लोगों के सवाल नहीं पूछ पा रहा हूँ लोग एक ही सवाल पांच बार पूछ रहे हैं ठीक है जस्ट अ मोमेंट थोड़ा सा समय दीजिए वक्त दीजिए द वे जितने लोग यहाँ पे हैं आपको बता दूँ कि YouTube में लाइव हम आने वाले हैं बहुत जल्दी और कैसे होगा क्या होगा हम इसके बारे में बात करेंगे बट प्लान ये है कि यूट्यूब लाइव आए रोज़ नहीं आएंगे क्योंकि रोज़ हम सब्जियां नहीं बन जाना चाहते रोज़ की तरकारी लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम हफ्ते में दो दिन या तीन दिन अच्छे से आपसे बात करें डिस्कस करें घंटे दो घंटे तीन घंटे बैठें तो उसके लिए तैयार रहिए उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है उसका लिंक मैं अभी शेयर करूँगा उसको जाके तुरंत से सब्सक्राइब करना है पहला काम और जो चीज़ वैल्यूबल आपको मिलनी है वो तो आपको पता ही है कितने जो लोग पुराने हैं उनको पता है कि हमारे लाइव में ज़ोरदार मज़ा आता है फ़न होता है क्वेश्चन आंसर होते हैं एक्यूरेसी हम तीन चार साल से कर रहे हैं नाइन्टी परसेंट के ऊपर रही है हमेशा तो काफ़ी चीज़ें होंगी मज़ा आएगा तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्सक्राइब करके उसको रख लेना है ठीक है तो मैं फिलहाल आपको लिंक भी शेयर कर देता हूँ तो ये पॉइंट हो गया ठीक है हम फिर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर ठीक है तो बार बार एक ही क्वेश्चन को पेस्ट मत करो आपको सिक्सटी सेकेंड का कॉल आउट टाइम मिलेगा उसके बाद ही आप पेस्ट कर पाओगे ओके सर आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है कुमावत जी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद ग्लोबल क्यूज़ देखकर ट्रेड करता हूं तो माइंडसेट काम नहीं करता ग्लोबल क्यूज देखना है ग्लोबल किसी भी चीज़ के बेस पे नहीं चले जाना है। मतलब मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब भी ट्रेड आपको करना है तो सिर्फ एक चीज देख के ट्रेड नहीं करना है पहली चीज़ है प्राइस दूसरी चीज़ है सेंटिमेंट तो प्राइस और सेंटिमेंट मैच करे उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता मतलब कैसे कहूंगा कि पिछले एक हफ्ते में सेंटिमेंट अच्छा नहीं है लेकिन प्राइस भाग रहा है तो जब प्राइस और सेंटिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं एक दिन नहीं मैच किया दो दिन मैच नहीं किया तो क्या समझना है कि भैया सेंटिमेंट शायद प्राइस में नहीं आ रहा है फिलहाल तो थोड़ा सा प्राइस पे ज्यादा जाना है और जब लगे कि यार अब जैसे फ्राइडे को मार्केट गिर गया तो लोग बोले अरे अरेमेंट तो काम कर गया तो पॉइंट सेंटीमेंट और प्राइस साथ साथ चलते हैं ऑफ ऑफ द द टाइम टाइम हो सकता है 30 time, प्राइस को मिसमैच रहे ना माने एक दूसरे की बात जैसे घर में सास बहू की लड़ाई होती है वैसे ही तो ये चीज हो सकती है तो जब ऐसा हो तो आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये मौका नहीं है मैं अभी कुछ ही दिन पहले एक बोल रहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जीवन में एक लाख रुपए से अगर आप शुरू करते हो तो आपको करोड़पति बनने के लिए सिर्फ बारह बार ही पैसे डबल करने हैं बार, सिर्फ बारह बार अगर सिर्फ बारह बार ही पैसे डबल करने हैं तो हर हफ्ते क्यों क्यों डबल करने है आपको तिरपन हफ्ते होते हैं एक साल में थोड़ा सा तो थो थामा थोड़ा सा तो थो, मतलब कंट्रोल करो अपने आप में ठीक है तो ये चीज नहीं समझ रहे ना रियालिटी है ये यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियालिटी चलो ठीक है अगला क्वेश्चन लेते हैं छह हजार तक का प्रॉफिट हो गया था और एक दिन सब खत्म हो गया बहुत अच्छा सवाल है ये वाला सवाल बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजा मैं आपको यह भी बता देता हूं किस दिन आपका वो खेल खत्म हुआ वो एक्सपायरी का दिन था और आजकल चार एक्सपायरी महीने में होती है तो हफ्ते में होती है तो आपको और सतर्क रहने की जरूरत है कि आप किसी ऐसा तो नहीं है आप ट्यूसडे को फिर निफ्टी एक्सपायरी खेल रहे हो आप थर्सडे को आप निफ्टी बैंक निफ्टी खेल रहे हो और फ्राइडे को आप सेंसेक्स भी खेल रहे हो जब एक एक्सपायरी इतनी खतरनाक होती है चार चार एक्सपायरी खेल के बचने के चांसेस वैसे भी आपके कम हो जाएंगे तो फोकस करो कि एक एक्सपायरी खेलो हो हफ्ता में और फोकस करो कि देखो फिन निफ्टी की बात करूं मैं तो फिन निफ्टी अभी इमर्ज हो रहा है मेच्योर हो रहा है वहां पे प्रीमियम्स में आपको कभी कभी तो रॉकेट की तरह जैकपॉट मिलेगा और कभी कभी आपको रुला देगा मार्केट मूव होगा वो मूव ही नहीं होगा तो अभी अभी वो मेच्योर हो रहा है स्टेबल हो रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा नए लोगों को जाने की जरूरत नहीं है वो ज्यादा हीरो जीरो है और फिन बैंक निफ्टी निफ्टी अभी मेच्योर हो चुका है तो फोकस करो हर हफ्ते निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करें कितनी ट्रेड करनी चाहिए हफ्ते में एक से दो ट्रेड लेने की कोशिश करो मैं कह रहा हूँ दो ट्रेड दिन में लोग नहीं ले पा रहे हैं मैं हफ्ते की बात करूंगा तो अजीब लगेगा लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी कभी तो शुरू करना पड़ेगा ना यार दो ट्रेड तीन ट्रेड आदतें डालनी पड़ेंगी ना पहले से तो नहीं आएंगी <coughs> यह डिस्प्ले कौन सा है है डिस्प्ले 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 एसर का डिस्प्ले है, कर्व डिस्प्ले है। इसको मैं वॉच करने के लिए यूज करता हूं मोस्टली मैं ट्रेड मोबाइल से ही एग्जीक्यूट करता हूं देखने के लिए दो अपने एक लैपटॉप स्क्रीन और एक और स्क्रीन है बस प्रीमियम ईटिंग इज द प्रॉब्लम लेकिन किसी ऑप्शन सेलर से पूछोगे तो वो बोलेगा कि प्रीमियम ईटिंग ही तो मैं जिसके लिए जी रहा हूँ जिसके लिए मैं जिंदा तो सिंपल uh, सी चीज है प्रीमियम ईटिंग प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है है ये कि जिस चीज़ पे आप पैसे लगा रहे हो वहां पर आप हीरो जीरो खेलने की कोशिश कर रहे हो आपका प्रीमियम सिलेक्शन गलत है सिंपल सी चीज बोलता हूं अगर आपको पैसे कमाने हैं लॉन्ग टर्म में ऑप्शन बाइंग में तो पहली चीज है कि दूर के ऑप्शन जिसको आउट ऑफ मनी भी कहते हैं उससे आप थोड़ा अपना मोह दूर करिए कोशिश करिए करंट प्राइस पे जहां पे है निफ्टी बैंक निफ्टी एट द मनी प्लस वन स्ट्राइक मतलब सपोज बैंक निफ्टी कहां पे है 45,000 पे है तो 45,100 का कॉल लूंगा मैं या 44,900 का पुट लूंगा मैं रूल बना लो ठीक है एक्सपायरी के दिन क्या करना है अगर मान लो आज एक्सपायरी है अब एक्सपायरी के दिन मैं नॉर्मली क्या करता हूँ अगले हफ्ते के प्रीमियम लेता हूँ क्यों लेता हूँ क्योंकि मुझे समय चाहिए लेकिन जो लोग बोलते हैं नहीं मुझे तो आज ही खेलना है जो जो बहुत ज्यादा लस्त हैं इस आदत से कि मुझे बीस रुपए चालीस रुपये वाला खुद ही उसी दिन का लेना है तो ट्वेंटी थर्टी रुपीज़ प्रीमियम से बेटर है आप वन फिफ्टी रुपीज़ का प्रीमियम देखो बैंक निफ्टी निफ्टी का निफ्टी का हंड्रेड का बैंक निफ्टी का वन फिफ्टी टू हंड्रेड का एक्सपायरी डे के दिन अगर आपको उस दिन भी करना है लेकिन ट्वेंटी थर्टी वाला मत करो प्रीमियम डिके प्रॉब्लम नहीं है जिस प्रीमियम को आप खरीद रहे हो वो प्रॉब्लम है आप मराठी बोले आपको आती है अरे भैया एम से हैं हम एम से हैं तो एम चारों तरफ से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़ी भी थोड़ी बोल लेंगे थोड़ी सी राजस्थानी भी बोल लेंगे थोड़ी यूपी यूपी तो हमारा टच में ही है यूपी की तो पूरी हमारी खुद की भाषा बघेलखंडी है पता होगा सुना होगा अगर बुंदेलखंडी होती है उसके बगल में बघेलखंडी है तो भाषाएं सब आनी चाहिए यार मज़ा आना चाहिए भाई तो भाई गाइज जितने भी लोग हैं प्लीज़ लाइक बटन दबाते जाओ सब्सक्राइब कर दो ताकि अगला जब भी अजय ठक्कर भाई अरे विजय भाई धन्यवाद बढ़िया है भाई बस रिकवर हो रहे हैं वायरल फीवर से बहुत दिन बाद आंखें खोली तो हमने कहा थोड़ा लाइव कर लें भाई दबे विजय ठक्कर भाई बहुत बढ़िया पॉडकास्ट करते हैं तो इनके चैनल पे जरूर जाएं और इनका पॉडकास्ट देखें बहुत सारे पॉडकास्ट से सीखने को बहुत कुछ मिलता है तो हमेशा याद रखो कि जीवन खुद के जीवन में झेल लो या दूसरे के जीवन से सीख लो आसान पड़ता है राइट गुजराती भी आती होगी हाँ भाई बड़ौदा में रहा हूँ मैं बड़ौदा का जो है तो उसको पता होगा छानी छानी जकात नाका करके जगह थी वहां पे मैं डेढ़ महीने रहा हूँ शुरुआती दौर में नौकरी के तब मैं एल में था तो शुरू में ट्रेनिंग के लिए गया था वहां पे हेड ऑफिस था जिस यूनिट में मैं था उसका आप तो रीवा नरेश है अरे नहीं भैया ऐसा कैसन कितने कैपिटल से स्टार्ट करें मेरा मानना है देखो तो कैपिटल की परिभाषा अगर आप कहोगे कि मैं कौन सी ट्रेड करना चाहता हूं तो वो तो देखो फ्यूचर ज्यादा लगेगा ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा लगेगा स्टॉक ऑप्शन में स्टॉक फ्यूचर में सब में अलग अलग लगेगा लेकिन फील करने के लिए पैसा अगर बोलो फील करना है शुरू में ना तो फाइव टेन थाउजेंड से पहले फील कर लो थोड़ा सा क्या करो इंट्राडे करो और थोड़ा सा ऑप्शन करो निफ्टी बैंक निफ्टी और एक लॉट से खेलो एक लॉट से ट्रेड करो खेलो मेरे मुंह से निकलता है उसको गलत भाषा में कभी ना ले खेलो का मतलब है कि खेलो इंडिया खेलो मतलब क्रिकेट भी खेलो फुटबॉल भी खेलो ड्रीम इलेवन मत खेलो ठीक है टीम बनाओ लेकिन मजे के लिए बनाओ क्रिकेट के लिए बट मुद्दा है सिंपल कि फोकस करो कि आप आ, कम कैपिटल से ट्रेड करते हो क्योंकि मैं ही हूं ये मानता हूँ कि रियल नॉलेज तभी होगा जब आपके अंदर उसको गवाने का आ, दर्द नहीं होगा मतलब कहते हैं ना अरे चला जाएगा पैसा चला जाएगा वो वो नहीं होना नहीं चाहिए शुरू में जब आप कोई कोचिंग क्लास कर रहे होते हो आजकल मैं एस्पिरेंट्स अभी मैंने संदीप भैया नई सीरीज देखी और उसके पहले भी देखा है मैंने बहुत अच्छा लगता है अभी जो स्टॉक में कली परसों एक आया है आ, वो आ, कौन थे हवलदार या कुछ थे मतलब सोचो आठवें अटेम्प्ट में बंदे ने यूपीएससी निकाला साढ़े छः सौ रैंक मतलब गजब स्टोरी मतलब सोचो ना यार यूपीएससी निकाला बंदे ने प्री मेंस मतलब उसकी बातें सुन के जब मैं स्टोरी सुन रहा था मुझे लगा ये निकाला कि नहीं निकाला लेकिन जब स्टोरी खत्म हुई तो सैल्यूट तो ये स्टोरियाँ क्यों सुननी है हमें ताकि हमारे अंदर से जो दिल है ना हमारा लालची कपटी हर हजार तरीके की जो चीजें करता है उसको थोड़ा सा हम मजबूत कर सकें सही रास्ते पे ला सकें ब्रो यूजुअली आई एम प्रॉफिट टिल 11 एम बट आफ्टर आई लूज माय प्रॉफिट लूज माय कैपिटल हाउ टू रेक्टिफाई इट देखो द ओनली वे विच विच आई फील वर्क्स इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो इज कि आप फोकस ऑन टारगेट विच इज वन ट्रेड प्रोफिटेबिलिटी और वो अगर मॉर्निंग में हो गया ना तो सेकेंड हाफ विल बी ओनली वॉचिंग देखो मार्केट को आप नहीं देखोगे तो, तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मैं देखता हूं देखता हूं और देखते देखते लगता है यार ये मौका मौका दबा देता हूं बटन तो उसका इलाज यही है कि आप दिन का एक टारगेट बना लो उसके बाद आपके मोबाइल ऐप आप, देखो मोबाइल दो रख लो अगर नहीं रख सकते मैं नहीं कह सकता कौन रख सकता नहीं वॉच करो ट्रेड का ऐप ही मत रखो वॉच करने के बहुत सारे ऐप हैं ट्रेडिंग भी हो सकता है और भी एक मार्केट पल्स में यूज करता हूँ तो कोई भी आपका है तो आप वॉच करो बस देख रहे हो ठीक है और देख के खुश हो कि यहाँ पे मैं सोच सोच रहा था यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए थी यहाँ से बाउंस आया दिस इज गुड तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिना आ, सीधे वन डे खेलने जाना है थोड़ा नेट प्रैक्टिस भी कर लो यार हम लोग क्रिकेट खेलते थे इतनी नेट प्रैक्टिस होती थी बॉल फेंक फेंक के थक जाते थे ओवर लगातार नेट पे फेंकते थे वही कीपर पकड़ रहा है वही बैट्समैन बैट्समैन बदलते जाते थे एक एक ओवर ओवर में में डेढ़ डेढ़ लेकिन लगता था क्या कर रहे हैं लेकिन जब बॉल फेंकते थे ना तो हर बॉल पर लगता था ये वाली ऐसी फेंकूंगा ये वाली ऐसी फेंकूंगा ये वाली ऐसी फेंकूंगा यही करना है आपको नेट प्रैक्टिस तो करो यार एज ए डब्ल्यू स्कैल्पर हाउ मे पॉइंट ऑन द प्रीमियम शुड आई टारगेट इन निफ्टी स्ट्राइक प्राइस ओ टी एम निफ्टी ऑप्शन आई वुड रिकमेंड इफ योर प्रीमियम इज हंड्रेड रुपीज हंड्रेड एंड एट टू हंड्रेड एंड फिफ्टीन शुड बी योर टारगेट मतलब अगर आपका हंड्रेड सौ रुपए का प्रीमियम है तो एक सौ पंद्रह आपका टारगेट होना चाहिए और आप एक बार में मत खरीदो ठीक है इफ यू हैव ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज और वट एवर मतलब इफ यू हैव मनी फॉर फोर लॉट्स बाय टू फर्स्ट इफ यू गेट टारगेट इन टू गेट आउट हो गया Evaluate की हो सकता है 90 पे मुझे दोबारा से लेना पड़े गेट इट एट एंड देन सी द एवरेज विल बी देन यू शुड गेट गेट इट एट एट आउट मतलब एवरेज के बाद आप करीब करीब टू में आपको निकल जाना चाहिए अब इसका दूसरा तरीका है अगर आपको मोमेंटम मिल गया देखो आजकल क्या होता है ब्लास्ट होता है मार्केट में भाव सीधे प्रीमियम भागते हैं अगर वो आपको मिल गया फिर तो कोई बात ही नहीं है अब दूसरी चीज यहाँ पे आप क्या बोलोगे क्या टारगेट लगा के रखूं पहले मैं टारगेट लगा के रखता था लेकिन फिर मैंने टारगेट नहीं लगाया क्योंकि मैं एंट्री पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि मेरी एंट्री गलत ना हो किस तरीके से एंट्री कर रहा हूँ एक बार में खरीद रहा हूँ या दो बार में खरीद रहा हूँ फिर उसके बाद मैं सपोज वन फिफ्टीन आ गया वन एटीन आ गया अब रुक रहा है वन एटीन के आसपास जाके तो मैं निकल जाता हूँ जहां रुकने लगे प्रीमियम तो प्रीमियम को थोड़ा वॉच करोगे मैनअली तो ये कर सकते हो अगर वॉच नहीं करना है तो फिर और तरीके हैं आप टारगेट मारो या फिर कई लोग बोलेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस मिलेगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा लेकिन मैं वो गेम नहीं खेलता अगर मैंने इतना एफर्ट डाला है और ट्वेंटी परसेंट का प्रीमियम मिला है तो मैं कम से कम फिफ्टीन परसेंट लेके तो निकलूंगा भाई सबके मैसेज तो नहीं पढ़ पाया सॉरी अगर किसी का मिस हुआ हो पावर ऑफ ट्रेडिंग वेरी लव देखो नॉट गिविंग शुड नॉट बी एन ईगो ठीक है ईगो क्या करेगा ना आपको थोड़ा सा जिद्दी बना देगा और आप गलतियाँ ज़्यादा करोगे तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा जिद्दी मत बनो आ, काम करते रहो अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग से आपका मेन काम में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो ट्रेडिंग से पॉज लेना बेटर है क्योंकि ट्रेडिंग आपको कोई इनकम तो दे नहीं रही है लगातार तो ये सोचना कि ट्रेडिंग नहीं छोड़ूंगा भले जान चली जाए ये मुझे नहीं लगता वाइज डिसीजन है ठीक है मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ट्रेडिंग आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है ट्रेडिंग सब कुछ नहीं है कोई बोलता है ट्रेडिंग इज माई लाइफ मैं कभी नहीं बोलूंगा ट्रेडिंग इज़ माई लाइफ मैं ये बोलूंगा कि जो मैं कर रहा हूँ वट एवर आई एम डूइंग उसका एक पार्ट है ट्रेडिंग भी दैट इज़ माई लाइफ ठीक है तो ट्रेडिंग हंड्रेड परसेंट मेरी लाइफ नहीं हो सकती कैसे हो सकती है किसी की नहीं हो सकती जो बोलते हैं तो हो सकता है जस्ट एक पंच लाइन के लिए बोल सकते हैं लेकिन आई थिंक ट्रेडिंग शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइफ और ट्रेडिंग के अलावा आपके पास कुछ और करने को भी होना चाहिए मे बी आप गेमर हो मे बी आप गॉसिपर हो मे बी आप दरबार छानने जाते हो अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारने वो सब चलेगा But सिर्फ नहीं पाना थैंक यू विजय ठक्कर भाई थैंक यू वेरी मच डू योर बेस्ट यस यस भाई बिल्कुल कोशिश पूरी जारी रहेगी आखिरी दम तक कई लोग सोचते हैं ना हम लोग YouTube पैसे के लिए और व्यूज के लिए करते हैं ठीक है तो उनको ये नहीं सम, उनको ये नहीं पता कि हमें ना व्यूज से लोगों के अप्रिसिएशन से लाइक से लाइक से पैसा देता है क्या YouTube नहीं लेकिन खुशी होती है तो यूट्यूब इज ए पैशन ठीक है मैं अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ लेकिन मुझे इतना मन था कि मैं लोगों से आके बात करूँ क्योंकि तबीयत नहीं है ठीक अभी मैं जस्ट अभी रिपोर्ट लेके आ रहा हूँ लेकिन ठीक है करना है तो करना है इतना पैशन होना चाहिए क्रिकेट के लिए भी मेरा इतना ही पैशन था जब तक खेला दम लगा के खेला जलोगे तो सब सीखोगे बस इतना जानना है जलना के ऊपर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है करेक्ट योर राइट सर मैं <coughs> 2021 से नहीं होगी कभी नहीं होगी पहले तो आप ये गलतियां करना बंद कर चुके हो जिससे लॉस बढ़ता था होता था तो आई थिंक पहला स्टेप ये है कि आप गिरना बंद हो जाओ क्योंकि आप लगातार गिर रहे थे राइट दूसरी चीज है अभी भी मुझे लगता नहीं आप पैसा नहीं बना रहे हो आप पैसा बना रहे हो हो सकता है आप थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो तो मेरा मानना यह है कि आप थोड़े से पैसे निकाल के पे आउट करना शुरू करो छोटे छोटे पैसे छोटे छोटे पैसे फील करो उस पैसे को कि यू हार इन पार्ट ऑफ सक्सेस पाँच सौ रुपये में ना पाँच सौ रुपये में आइसक्रीम खिला सकते हो अपने दोस्त को खिलाओ एक दिन अपनी फैमिली है तो उसको ले जाके कुछ मूवी दिखाओ पता जब मैं मैं शुरुआती दौर पर इस स्ट्रेस से निकल रहा था बिकॉज ऑफ जितना भी झेला तो मैं सोचता था अपने आप को थोड़ा सा तो प्लेजर देना पड़ेगा ना तो मूवी देख ली कभी कभी दोस्त के साथ बाहर खा लिया नहीं है पैसे उस उस बिल पे करने के बाद नहीं है पैसे लेकिन उसको पे करने के बाद ये फील होता था कि यस आई एम ऑन द राइट पाथ इतना बुरा हाल अब नहीं है पहले था आई एम रिकवरिंग तो द फर्स्ट विक्ट्री इज नॉट इन इन द बैटल फील्ड द फर्स्ट विक्ट्री इज एन इन अपने अंदर की लड़ाई तो जीत लें पहले आई एम प्रोफिटेबल फ्राम लास्ट फाइव मंथ्स नो कैन आई लीव जॉब नो प्लीज डोंट डू देट एटलीस्ट हैव टू थ्री ईयर्स ऑफ योर पैकेज जो है आपका दो साल का तीन साल का पैकेज है वो सेविंग में कर लो एफ डी कर दो कुछ इंटरेस्ट आएगा तब जॉब छोड़ना अब बोलोगे कि कैपिटल कहाँ से आएगा जब मैं एफ डी कर दूंगा उसका कम कैपिटल से ट्रेड करने की आदत डालो क्योंकि अगर आप छोटे पैसे से इतना पैसा बना लिए कि पाँच महीने से प्रॉफिटेबल हो तो वापस से छोटे से शुरू करो ना मैं पंद्रह दिन में सात हजार कमाया और फ्राइडे को छप्पन सो गया मिस्टेक पे आउट नहीं किया नहीं मिस्टेक ठीक है ना अगली बार करोगे ना अपने आप से ये तो प्रण ले लो कि हाँ अगली बार मैं ये गलती नहीं करूंगा खो नहीं जाऊंगा उसमें जब मैं पैसे बना रहा हूं उस मजे में मैं खो नहीं जाना चाहता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगला सवाल है भाई मैंने निफ्टी एक्सपायरी एक लाख इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग करना सही है मैंने इसका जवाब दिया है ट्रेडिंग लेने के लिए डर लगता है प्लीज गाइड <laughs> कौन है भाई इसका जवाब कौन देगा ट्रेडिंग लेने से डर लगता है तो क्या किया जाए है कोई जो है कोई माइकल लाल जो चंगेजी दिखा के थोड़ा सा गाइड करे इस भाई को Uh, मैंने जस्ट नाउ मैंने चैनल पोस्ट किया है अब हम इसी पे करेंगे लाइव और स्टॉक की बातें चैनल का हमने नामकरण किया हैप्पी बर्थडे मनाया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें पेंड कमेंट में है फटाक से ठीक है फटाफट से इसको लाइक कर लें अब अगला सवाल लेते हैं आपके कोर्स का ड्यूरेशन बढ़ा दो चार महीने तक तीन महीने अपने आप ऑटोमेटिकली जो दो महीने वाले हैं उनके तीन महीने हो जाएगा अभी क्या हम ऐप हमारा लॉन्च होने वाला है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाई सीखने की कीमत बहुत कम है ना सीखने की कीमत बहुत महंगी है बहुत ही महंगी है परिवार घर पैसा ज़मीन गाड़ी क्या नहीं है सभी उसकी कीमत ही तो है गिनने वाले गिन लेंगे जिसको समय की कीमत पता है क्या कोई बंदा सिर्फ इक्विटी मार्केट में इंट्राडे करके सक्सेसफुल बन सकता है एब्सोल्युटली बन सकता है एब्सोल्युटली इक्विटी में यार देखो इक्विटी तो कोर है ना मतलब मैं कह रहा हूं ब्रेकआउट पकड़ो जैसे अभी रिसेंटली में एक स्टॉक चला था सुजलॉन को किसी ने ध्यान नहीं दिया सात रुपए आठ रुपए दस रुपये बारह रुपए भागा तो भागा तो मैं कह रहा हूं तुम सात में नहीं पकड़े पांच में नहीं पकड़े दस में पकड़े होते ना तो भी तुमको कुछ मिलता तो मेरा पॉइंट है कि कई लोग ऐसे स्टॉक्स ब्रेकआउट स्टॉक्स को पकड़ते हैं जो स्टॉक बहुत दिन से नहीं चला है अच्छा खासा कैश लेके जाते हैं और बैठते हैं पंद्रह बीस दिन और उससे पैसे लेके निकलते हैं ये भी तरीका है स्कैल्पिंग में टाइम फ्रेम स्टॉप लॉस और टारगेट क्या है अच्छा सवाल है लेकिन आप ज़्यादा टेक्निकल चले गए स्कैल्पिंग में टाइम फ्रेम तो आप अगर मान लो कोई मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर पकड़ रहे हो ज्यादातर स्कैल्पिंग जो करते हैं वो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर पकड़ते हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है मुद्दा क्या है कि, कि किस टाइम फ्रेम में आपको क्रॉसओवर पकड़ना है अगर आप रिलायबल थोड़े बड़े कैपिटल वाले हो तो मैं कहूँगा फिफ्टीन मिनट पर जाओ क्योंकि फिफ्टीन मिनट का क्रॉस बड़ा मूव देता है बड़ी क्वान्टिटी के साथ आप ट्रेड कर सकते हो और क्या पूछ रहे हो इसके अलावा टारगेट स्टॉप लॉस क्या है? अब स्टॉप लॉस की बात है टारगेट से डिपेंड करता है। है? है, आपका टारगेट टारगेट क्या अगर आप बोलते हो मेरा 10 है, तो मैं बोलूंगा, है, तो 1 -1 मिल जाता है लेकिन लॉस रिस्ट्रिक्ट करना इंपॉर्टेंट है और एंट्री फटाफट मतलब कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे एंट्री लेना वो गलत है <coughs> नाइन लैक लॉस नाउ ओनली सिक्सटी के बैलेंस ट्वेंटी फाइव के मंथली ई एम आई पे करना एनी पॉसिबिलिटी विद द हेल्प दैट कुड प्लान टू सर्वाइव देखो भाई सबसे पहली चीज़ है अगर आपके पास सिर्फ साठ हजार रुपये बचाए ना सबसे पहले मार्केट से थोड़ा सा साइड हो जाओ क्योंकि मैं कहूँगा साठ हजार से बन जाएंगे पैसे लेकिन गलत होगा क्योंकि आप जिस प्रेशर से गुजर रहे हो उस प्रेशर में ये साठ हजार से आपको करने में बहुत दिक्कत होगी तो uh, मेरा मेरा कहना है कि यार थोड़ा सा साइड हो जाओ और आप बोलोगे ना साठ लगा के नौ लाख निकाल लो साठ लगा के नौ लाख वो बिल्कुल सोच नहीं काम करेगी मेरा मानना है टेन थाउजेंड से आप फिलहाल हज़ार दो हज़ार निकालने की कोशिश करो ठीक है और वीकली टारगेट रखो एक दो ट्रेड पकड़ो अच्छे ब्रेकआउट पकड़ो ठीक है सेल द बाउंस बाय द डेट जो भी सेटअप आपको समझ में आ रहा है क्योंकि हर दिन मार्केट कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होता है मतलब अगर कोई गैप डाउन हो जाता है गैप डाउन सर्वाइव नहीं करेगा तो बाउंस आएगा तो गैप डाउन सर्वाइव करेगा नहीं करेगा उसको 10-15-20 मिनट देखने के बाद आपको लगे कि यार यहाँ से बाउंस आ सकता है आप कॉल लिए दस हज़ार रुपये से एक हज़ार डेढ़ हज़ार जो भी देन फिफ्टीन परसेंट मिला बुक किए उसके बाद क्लोज़ कर दिए अब आप उस उस दिन देखना भी नहीं है अगर आप नहीं देख रहे हो ना आप ज़्यादा सक्सेसफुल मेरे नज़र में हो इन कंपेरिजन टू कि आप प्रॉफिट बना रहे हो या लॉस तो कंट्रोल सक्सेस नॉट अपॉर्चुनिटी तो मार्केट पूरे दिन ही कुछ ना कुछ तो हिल ही रहा होता है ना ठीक है तो ये एक चीज हो गई इंपॉर्टेंट अब हम देख लेते हैं अगला सवाल जो है ओके गाइस रुक जाओ एक बार कोर्स डिटेल के लोग पूछ रहे हैं डाल देता हूँ जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर देना और दूसरी चीज एक और बताना मुझे कि यूट्यूब लाइव जो मैं बाय द वे वो चैनल सब्सक्राइब कर दो लाइव में उसमें आने वाला हूँ ठीक है ना सब्सक्राइब आप नहीं करोगे तो नहीं पता चलेगा और फिर पिक्चर ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आप देखोगे ठीक है गाइज मैंने तीन लिंक डाले हैं जाएगा नहीं जाएगा एक हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक और कोर्स का लिंक दोनों का लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया है ठीक है पिंड कमेंट में है आप चेक कर सकते हो ठीक है ओके गाइस तो चलो सवाल पे आ जाते हैं क्योंकि मेरा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले लूँ ताकि सर मैं चलती ट्रेन पकड़ लेना सही है हाँ सर में क्या बोलना चाहते हो गुरु एक सेकेंड मैं सवाल देखो जो वो ले रहा हूं जिस सवाल का जवाब मैंने अभी तक नहीं दिया है बाकी पूरा लाइव आप एक बार देख लेना इसमें सवाल है इसके सवाल को कट आउट करके हम अलग से भी डाल देंगे एज अ वीडियो लेकिन राइट नाउ इम्पोर्टेंट ये है कि आपका सवाल जो है कैन आई आई लीव जॉब टू स्टार्ट ट्रेडिंग एज एम नॉट गेटिंग प्रॉपर टाइम फॉर ट्रेडिंग ड्यूरिंग माई मार्केट आवर्स देखो ये चीज जो है आपका लालच बोल रहा है यू आर वो तो करोड़ों कमा रहे हैं लाखों कमा रहे हैं मैं भी जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडर बन जाता हूँ बिल्कुल नहीं देखो ये फुल टाइम ट्रेडिंग जो है ना बहुत फैंसी लगता है देखने में ये दुनिया बहुत अच्छी लगती है लेकिन इस दुनिया में ना इतने तपेड़े पड़ते हैं ना फिर लगता है कि उसी मालिक के सामने हाथ जोड़ के बोलो कि भगवान मालिक मेरे को मैं पहुँच होता हूँ मेरे को नौकरी वापस दे दो इतना मैं बता दिया ना बस समझ लो कि ये कितनी बड़ी गलती होगी अगर आप ये सोचो कि मैं फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊँ नौकरी छोड़ के Guys, मैंने कोर्स का लिंक डाल दिया है कोर्स आप लोगे ऐप में जाओगे ऐप में भी कोर्स है सवाल पूछना है तो ऐप में डीएम ऑप्शन होता है वहां पे जाके आप सवाल पूछ सकते हो ठीक है और वहां पे अभी एक ऑफर चल रहा है तो कोड जो है वो न्यू ट्वेंटी फाइव है उसको आप यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको वहां पे ट्वेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा दूसरी चीज है अगर कोई भी यहां पे डिफेंस पर्सनल है आर्मी वाला बंदा है तो डेफिनेटली आप वहां पे मैसेज करो आपके लिए अलग से डिस्काउंट है कोई भी डिफेंस पर्सनल है सर्विस में है रिटायर्ड है कोई भी हो ठीक है ओके चलो लग... सेटअप बताओ प्लीज लॉड सेटअप आपका सेटअप मेरा सेटअप तो यार मैंने हजार बार बताया है लेकिन विश्वास करोगे तब ना <laughs> मैं अपना सेटअप पे कल वीडियो बना दूंगा ना उसके बाद भी लोग पूछेंगे सर बताइए पैसा कैसे बनेगा क्योंकि उनको विश्वास नहीं है कि चीज़ों से पैसा देखो सबसे सिंपल चीज़ होती है ना वो सबसे इफेक्टिव होती है तो हमेशा याद रखो ये सेटअप के पीछे मत भागो सेटअप सिंपल ही होगा जिससे पैसा बनेगा अपने आप को उस लायक बना दो जो आदमी पैसा लेके बाहर निकल पाए घुसा ना रहे वो नशेड़ी ना बन जाए एक भाई साहब बोले हैं आई एम स्टूडेंट कैन आई स्टार्ट ट्रेडिंग विद फाइव थाउजेंड रुपीज यस यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग विद फाइव थाउजेंड रुपीज सो फाइव थाउजेंड रुपीज़ यही मैंने कहा कि यू कैन स्टार्ट विद इंटरडे ट्रेडिंग एंड देन स्लोली यू कैन पिक इट अप धीरे धीरे इंटरडेट ट्रेडिंग करो शुरू में एक लॉट से ट्रेडिंग करो ऑप्शन ट्रेडिंग करो एंड देन यू स्लोली पिक इट अप एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ uh, दैट वीडियो विल बी फॉर सिंपल नए लोगों के लिए एकदम सिंपल यूट्यूब में डालूंगा फ्री वीडियो होगा तो उस वीडियो को जरूर देख लेना जो भी नए लोग हैं कभी भी आपका दोस्त भाई कोई भी पूछे भैया शेयर बाजार क्या है कई लोग बोलते हैं सर शेयर मार्केटिंग करना चाहता हूँ मैंने शेयर करना चाहते हो या मार्केटिंग तो लोगों को अभी कुछ पता नहीं है तो उनको वो वीडियो भेजने लायक रहेगा जो भी नया आदमी पूछे उसको भेज दो बेसिक सिंपल स्टॉक मार्केट क्या है कैसे है क्या बाय क्या सेल क्यों नहीं क्या नहीं एक ही वीडियो में करके मैं बना दूंगा डाल दूंगा चैनल पे ताकि आप उसको शेयर कर सको और नए आदमी को वो वहम वाली दुनिया में रोकने रोकने के लिए वो वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो सीधे हवा हवाई ना हो जाए Uh, कुछ स्ट्रेटेजी दीजिए भाई ये चूरन नहीं है ना दीजिए वीडियो वीडियो बनाऊंगा ऑलरेडी मैंने कई सारे बनाए हैं <coughs> कोई इंडिकेटर बता दीजिए जो पहले इंडिकेट कर दे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा चलो मैं बता देता हूँ एक इंडिकेटर है जो बता देता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उसका नाम है आर ठीक है एक और इंडिकेटर है जिसका नाम है मैगडी एक और इंडिकेटर है जिसका नाम है मूविंग एवरेज क्रॉस ठीक है कौन सा क्रॉस ले लो आठ तेरह ले लो एट थर्टीन का क्रॉस ओवर लगा लो पंद्रह मिनट में ठीक है लगा लो काम करेगा जैसे वो क्रॉस ओवर होगा मार्केट ऊपर जाएगा अब कमा के दिखाओ पैसे तो, सेटअप से नहीं कर सकते सब कुछ मैंने बोला ना मैंने तुमको दे दिया कि इस बंदूक से गोली चलाओगे तो धन की वर्षा होगी ठीक है लेकिन उसके आगे टर्म कंडीशन स्टार लगा हुआ है किस तरफ चलाना है किस दिन चलाना है क्या वो बंदूक से किसी मटके को फोड़ूंगा जिसके अंदर धन होगी तो वर्षा होगी शायद ऐसा है है ठीक बंदूक चलाने से पैसे नहीं आते ना तो लोग जो है ना सिर्फ एक लाइन पढ़ के निकल पड़ते हैं पैसे कमाने दैट इज द प्रॉब्लम जॉब करके ट्रेडिंग कैसे करें टाइम नहीं मिल रहा ऑलरेडी चालीस लाख का लॉस है आ, देखो जॉब करके ट्रेडिंग जॉब के साथ ट्रेडिंग करना ही पड़ेगा कोई चारा है नहीं अब इसके लिए एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपके पास चालीस लाख का लॉस है अगर आपके पास एक डेढ़ लाख रुपये है तो एक लॉट से शुरू करो ट्रेडिंग अगले एक दो महीने आपका फोकस होना चाहिए कि कम से कम मैं कंसिस्टेंट हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ उसको रिपीटेबल तरीके से कर रहा हूँ नए नए चीज़ें ट्राई नहीं कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ एक सेट स्टैंडर्ड पे चल रहा हूँ मैं आपको बोल दूँ कुछ मत करो बहुत ज़्यादा अगर आपको टेंशन है तो अगले हफ्ते के ऑप्शन सेलिंग मतलब अगर ये करंट वीक में हम हमें अगले हफ्ते के ऑप्शन सेलिंग शुरू कर दो उसको करने के तरीके हैं कुछ स्ट्रैडल स्ट्रैंगल कर सकते हो लेकिन वो मैं प्रेफर नहीं करता स्ट्रैंगल फिर भी कर सकते हैं डायरेक्शनल कोशिश करो थोड़ा एक टेक्निकल एनालिसिस एक्शन बेस पे कि क्या है ट्रेंड क्या है बुल है बियर है अगर बुल है तो आप पुट सेल और करोगे कौन से पुट सेल करोगे तो चीज़ें तो मैं पाँच बता दूँ करोगे तो आप ना और फिर उसके बाद आपको कम से कम छः महीने देखो मेरी स्ट्रगल काफ़ी लंबी थी काफ़ी साल मैं आपको ये नहीं बोलूँगा छः महीने में सब कुछ हो जाएगा लेकिन वो शुरुआत तो आज करनी पड़ेगी ना बदलाव तो लाओ ठीक है तो मेरा कहना है कि बड़ी शुरुआत करनी है तो थोड़ा सा सेलिंग भी देखो कैसी हो रही है क्या हो रही है और बाइंग भी देखो दोनों चीज देखनी पड़ेगी फाइव टू वन लैख प्लीज फर्स्ट वीक फर्स्ट बाइंग अमाउंट मोर देन वन लैख प्लीज एक्सप्लेन अरे भाई पहले ट्रेड में सेवेंटी सिक्सटी सेवेंटी के जो था उससे अगर एक लाख रुपए बन गया तो अब अगला जो ट्रेड है उसी दिन सेम डे

सर आप बहुत ईमानदार हो बहुत अच्छा है लेकिन सर हो ही नहीं सकता ये मैंने कहा मैंने कहा यार विश्वास दिलाने से नहीं होता ना विश्वास कमाने से होता है तो कमाओ ठीक है हमने तो अपने हिस्से का कमा लिया तुम्हें अपने अंदर का विश्वास कमाना पड़ेगा ठीक है भाई आई थिंक वेटी मच मेरा जो कोर्स है ये टेक्निकल एनालिसिस है इंडिकेटर्स है प्राइज एक्शन है स्कैल्पिंग है बेसिक्स है सब कुछ है शुरू से लेके आखिरी तक अगर कोर्स करना तो पूरा देखना अगर पूरे देखने की हिम्मत नहीं है तो मत करना मैं नहीं चाहता कि लोग दो कटोरी खाएं और दस कटोरियां छोड़ दें और बोले स्वाद मजा नहीं आया ए से जेड जाना हो तो सीखो वरना मत सीखो आप अपने हाल पे रहो बेटर है क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना बहुत जल्दबाजी में बहुत जल्दबाजी में सर वो स्ट्रैटेजी कौन से चैप्टर में है सीधे बताओ मैं उधर ही घुसू अगले दिन ट्रेड करूँ करोड़ों कमाऊँ और सीधे होना लूलू तो बस होना लूलू ही पहुंचोगे सीधे ऐसा नहीं होता भैया ठीक है तो मैं अभी यहाँ पे लिंक डाल दे रहा हूँ फिर से कि हमारा कोर्स वाला है और दूसरी चीज है हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ऑफिशियल है उसको आपने ज्वाइन नहीं किया है इस वीडियो के प्रिंट कमेंट में मैं वापस से लिंक सारे डाल दूंगा दूसरी चीज है जो चैनल है जहां पे मैं लाइव करने वाला हूँ यूट्यूब लाइव आऊंगा मैं मार्केट आवर में आऊंगा आपके जो सवाल हैं जो जवाब हैं आपको सिखाऊंगा लाइव मार्केट में रोज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतना हिम्मत और टाइम नहीं है लेकिन जब भी कोशिश करूंगा आऊँ तो ये चैनल है मैंने जस्ट अभी पोस्ट किया है आप इसको सब्सक्राइब कर लो तुरंत से ठीक है सो गाइज आई एम डन मेरी एनर्जी अभी जा रही है टाइम हो गया है दवाई का बहुत जल्दी फिर मिलेंगे लाइक यार लाइक लोग नहीं कर रहे यार बड़ा दिल टूट रहा है लेकिन ठीक है दिल तो है फिर जुड़ जाएगा शीशा हो या दिल है आखिर टूट जाता है इज़ दिस द लाइव क्लास ये क्लास लाइव नहीं है जो चीज़ें रिपीटेड हैं मतलब जैसे अब मैं आपको वही चीज़ समझाऊं कि ये मूविंग एवरेज है तो वही चीज़ रिपीट चीज़ मैं बताने पे विश्वास नहीं करता एक बार मैंने डिटेल में 38 38 घंटे का कोर्स रिकॉर्ड कर दिया है अब उसके बाद आपकी साइकोलॉजी माइंड आपको कैसे बेटर बनाना है इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी इसके लिए लाइव क्लास लूँगा मैं जो ज़रूरी है क्योंकि आपका सवाल आपका है इसका सवाल उसका है ए बी सी चार लोग का सवाल अलग है सिचुएशन अलग है उससे रिलेटेड मैं लाइव करूंगा इसमें जो कि कहीं नहीं किया मैंने आज तक तो सबसे बड़ी जो चीज़ है इस कोर्स में मिलेगी आपको वो लाइव मिलेगा ठीक है मैं तो उसके लिए अभी तक कोर्स भी नहीं लाया मैं अलग से कोर्स ला दूँ तो उसमें भी लोग हज़ारों कितने लोग मुझे बोलते हैं सर एक मिनट बात कर लीजिए दो मिनट तो मैं चाहता हूँ लोगों से मैं बात करूँ ताकि वो बेटर बन पाए इम्प्रूव हो पाए उनके अंदर से जो हीलिंग जरूरी है वो हो पाए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जब मैं अकेला था मेरे को तो भाई मैं बहुत मतलब मैं बहुत मतलब ही परेशान हुआ क्योंकि किससे शेयर करोगे आप लेकिन एटलीस्ट आपका कोई एक बड़ी हो दोस्त हो यार हो जो आपसे सिखा पाए समझा पाए आपको समझ पाए आपके सवाल जवाब कर पाए वो जरूरी है और वो चीज मैं इसमें करने वाला हूँ तो वो लाइव सेशन जो होगा ना वो आपको कहीं मिलेगा भी नहीं तो क्योंकि मैं तो मैं हूँ राइट तो वो चीज आपको इसमें मिलने वाली है और ऊपर से उसमें हर हफ्ते हम वीकेंड में एक एनालिसिस वीडियो डालेंगे जिससे आपको हर हफ्ते मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है जो चीज़ यूट्यूब पे डिटेल में नहीं आ पाती है वो चीज़ वहाँ पे आएगी तो आपको कोर्स मिल रहा है आपको लाइव साइकोलॉजी सेशन मिल रहे हैं और आपको वीकेंड एनालिसिस वीडियोज मिल रहे हैं जो एक तरह से एनालिसिस है जिससे आपको ट्रेड करने में मदद मिलेगी ठीक है वहाँ पे ग्रुप भी रहेगा लेकिन ग्रुप में हम प्री मार्केट सेटअप जनरल सेंटीमेंट डालेंगे कि क्या कैसा मार्केट है बोले बियर है सेक्टर स्पेसिफिक क्योंकि हम कॉल्स वॉल्स नहीं दे सकते लेकिन हम जनरल स्पेसिफिक चीज़ें वहाँ पे डालेंगे जिससे काफ़ी है कि आप अच्छे से ट्रेड कर सकोगे लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए आपको अपना एक कदम बढ़ाना पड़ेगा जो आपको बढ़ाना पड़ेगा हम नहीं बढ़ा सकते ना ट्रेड एनी डिस्काउंट फॉर गवर्नमेंट टीचर आप मैसेज करो टेलीग्राम आईडी है हमारा टेलीग्राम आई डी हमारा है स्टीएल फॉर सपोर्ट ठीक है अब वहां पे जाके बात कर सकते हो हाँ डिफेंस पर्सनल के लिए है क्लियर कट है भाई अब डिफेंस फैमिली से हैं उन अप, न, हम जानते हैं आप लोग क्या देश के लिए कर रहे हो कितना कर रहे हो मुझे पता है सब कर रहे हैं लेकिन बींग फ्रॉम डिफेंस फैमिली यू कैन नॉट अंडरस्टैंड उनका दर्द क्योंकि हम तो झेल चुके हैं ना वो चीजें hmm. ंग प्रसंगू प्रसंगू भाई आप फौजी हो तीन लाख दे चुके हो मार्केट में देखो साइकोलॉजी पे मैंने तीन वीडियो बनाए हुए हैं चैनल पे आप जाइए अभी चैनल पे पहले तीन वीडियो हैं तीनों को आपको ध्यान से पूरा वीडियो देखना है ठीक है उसके नीचे एक प्ले है न्यू ट्रेडर प्ले ठीक है तो उस के सारे वीडियो देख डालोगे तो आपको काफी सवालों के जवाब मिल जाएंगे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो प्लीज वो करिए ठीक है बहुत सिंपल है वीडियो ऑलरेडी है आप जाके देखो आपको मदद मिलेगी और अगला जो लाइव करेंगे अपन बहुत जल्दी करेंगे मिलते हैं बहुत जल्दी थैंक यू वेरी मच टेक केयर सब्सक्राइब शेयर लाइक और टेक केयर और उस चैनल को लाइव कर लेना मंडे को मैं कोशिश करूंगा लाइव आने की हो सकता है नौ बजे ना पाऊँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो आई एम नॉट एबल टू लाइक गेट अप वेरी सोन फॉर वर्क लेकिन कोशिश करूंगा कि मंडे को मैं आऊं और मंडे को आपसे बात करूं लाइव मार्केट आवर्स में और स्क्रीन शेयरिंग भी रहेगी तो आप बात करके देखते सुनते जो भी बातें अपन करेंगे ठीक है थैंक यू गाइज थैंक यू वेरी मच एंड सी सून टेक केयर और रिलैक्स रहो चिल रहो। जो होना है हो चुका है अगर आपका लॉस है तो हो चुका है होना था लेकिन आगे क्या करना है ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप कहाँ से आए हो यह डिसाइड करेगा कि आप जो झेल के आए हो उससे आपने क्या सीखा क्या आपको अभी भी एहसास है कि आपकी गलतियाँ क्या थी और आप आगे क्या करने के लिए तैयार हो उन गलतियों को फिक्स करने के लिए अपनी सिचुएशन संभालने के लिए और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए क्योंकि एक एक बंदा बोलता है ना कि यार आप सर आप कर दो कुछ कर दो मेरे लिए ट्रेड कर दो मैंने कहा देख यार अपनी लड़ाई ना खुद लड़नी पड़ेगी मैं अगर तेरी लड़ाई लड़ूंगा ना तो मैं तेरे को कमज़ोर बना रहा हूँ और ये जीवन बहुत कठिन है कई साल जीना है तो अगर मैं आज दूसरों की लड़ाई लड़ना शुरू कर दूंगा तो मैं लोगों को कमज़ोर बनाना शुरू कर दूंगा जो कि मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है आप में दम है आप लोग सब बदल सकते हो इम्प्रूव हो सकते हो लाखों करोड़ों ट्रेडर हैं उनमें से ज़रूरी नहीं है सारे लॉस खाएं ठीक है फिफ्टी फिफ्टी चांस तो है ना अगर नेट सम जीरो गेम भी है तो पचास परसेंट पैसे बना सकते हैं ना लेकिन अभी क्या हो रहा है रिटेलर नाइन्टी फाइव परसेंट गंवा रहा है और जो नाइन्टी फाइव परसेंट गंवा रहा है उसका ज़्यादातर पैसा पाँच परसेंट के पास जा रहा है वो पाँच परसेंट में से एटी परसेंट लोग इंस्टीट्यूशन है बड़े ट्रेडर हैं जो इंस्टीट्यूशन है हम लोग नहीं हमसे भी बड़े पाँच सौ हजार करोड़ वाले जो गेम खेलते हैं पूरे तो आप उनको हरा सकते हो ठीक है बस थोड़ा सा सतर्कता और थोड़ी सी समझ होनी चाहिए ठीक है थैंक यू गाइज थैंक यू वेरी मच टेक केयर नमस्कार सभी को गुड नाइट टेक केयर बाय